क्योंकि जो पार्टी का प्रधान तनखाइया हो वो पंजाब की सब चुनाव कैंसिल करके रद्द करके आज सारा ध्यान यहाँ दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? जो श्रोमणी कमेटी का प्रधान इस इन आदेशों को श्री अकाल तख्त साहब के आदेशों से भगौड़ा है, जो एक्टिंग प्रधान श्रोमणी अकाली दल भगौड़ा है, क्योंकि जो पार्टी का प्रधान तनखाइया हो वो पंजाब की सब चुनाव कैंसिल करके रद्द करके आज सारा ध्यान यहाँ दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? जो श्रोमणी कमेटी का प्रधान इस इन आदेशों को श्री अकाल तख्त साहब के आदेशों से भगौड़ा है, जो एक्टिंग प्रधान श्रोमणी अकाली दल भगौड़ा है, उस पर क्यों विश्वास करेंगे लोग, क्यों उनको वोट डालेंगे? इस करके मेरे को ये विश्वास है कि गुरु रामदास जी बिल्कुल फैसला जो है सही करेंगे और बख्शिश देंगे, तो मैं उनके भरोसे पर चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे को राहत इसलिए है कि कम से कम आज लोग इनको नसीहतें दे रहे हैं कि दो कैंडिडेट हैं, उनसे आपने फैसला करना। तो इलाके के लोग जो है उन्होंने अपने विचार दिए, विदेशों में बैठे सिखों ने इनको विचार दिए, जिसके हक में इनको विचार आए होंगे ये जरूर फैसला करेंगे। इस बार सुखबीर बादल जी नहीं आ रहे, तनख्वाहियां गिरा रहे हैं, तो उसमें कुछ इनको लॉस हो सकता है। उसकी क्या वोट है? उसकी तो यहाँ वोट ही नहीं है। फोन कर करके इनको डरा रहे हैं, फोन कर करके इनको क्या कहते हैं, हाँ, मेंबर्स को दबाया जा रहा है। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेंबर्स को तो चाहिए नहीं थी उनके साथ बात करनी, लेकिन क्या करें, इन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलता, जब फिर सुनना पड़ता है। इनके जब धामी साहब थे कि सिखी को अकाल तक का भी बेअदबी हुई, कई बेअदबी हुई, सिखों के पगड़ी का इशू है, क्या आपके पास भी ऐसी चीजें हैं जो आप उठाएंगे? देखिए, जो भी मसले हैं सारी कौम के साथ चलकर मैं इसको काम करूंगी। आने मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले भी मैं आपके साथ काम किया, यहाँ ही काम किया, तुम लोगों ने मेरा देखा है कि मेरा काम करने का क्या स्टाइल है, मैं कैसे लोगों में जाती हूँ, कैसे लोगों को सुझाव लेती हूँ, ये सब 15-20 दिन में ही आपको चेंज नजर आएगी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कैसे सुधार किए जा रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि मेंबर्स आपके साथ देंगे? मेरे को उम्मीद है कि गुरु रामदास जी अपने घर की लाज रखेंगे।